स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मैथ सेशन। एक बार हम फिर उपस्थित हैं मैथ सेशन में, और हम पिछली क्लास को कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने क्या कराया था, एलसीएम और एससीएफ। आगे भी हम आज क्या करने वाले हैं, एलसीएम एससीएफ के कुछ नए क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और क्वेश्चन को देखिए। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 6 और 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में या तो एलसीएम होगा या फिर एससीएफ होगा। उसमें स्पेशली उसने नहीं बोला है कि वो कौन सी संख्या, मतलब एलसीएम निकालिए या एससीएफ निकालिए, लेकिन आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद खुद से पता लगाना होगा कि एलसीएम निकालना है या एससीएफ निकालना है। तो आप यह क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, इसका मतलब क्या कह रहा है, वह नंबर निकालना है जो 8, 6 और 12 से पूर्णतः कट जाए। मतलब आपको एक छोटा नंबर निकालना है। जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी एलसीएम की, क्या बताई थी, वह छोटे से छोटा नंबर जो दिए हुए नंबरों से डिवाइड हो जाए, दिए हुए नंबरों से डिवाइड हो जाए तो क्या होता है, वो एलसीएम होता है। तो हमें इस क्वेश्चन का क्या करना होगा, एलसीएम करना होगा। एलसीएम निकालने के लिए आपको दो पैटर्न बताऊंगा मैं, देखिए। पहला है 8, 6 और 12। इसमें क्या करना है, आपको ऐसे फैक्टर कर दीजिए इसके, 2 × 2 × 2, क्लियर। अब इसका हो गया 2 × 3 और इसका हो जाएगा 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेयर बनाने हैं भाई। एक ये पेयर बन गया इसमें, क्लियर, और एक पेयर इसमें ये बन गया भाई। यहाँ पर अगर एससीएफ पूछता तो एससीएफ में केवल एक ही पेयर बन रहा है, हमें तीनों में पेयर देखने होते हैं। यहाँ पूरा पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, उसके बाद क्या, एक दो का पेयर इसके साथ बन गया। तो कितने पेयर बन गए, 2 × 2 × 3, और जो बाकी का बचा कितना बच गया, 2। तो उसको भी लिख लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 12, 12 × 2 = 24। एलसीएम कितना निकल के आ गया इसका, 24 निकल के आ गया। एक तो आपका ये तरीका है, इस तरीके से निकालिए, और एक तरीका जो हमने 7th-8th क्लास में सीखा था, वो क्या सीखा था, अगर हमें जब भी एलसीएम निकालते हैं, जब भी हम फ्रैक्शन करते थे, फ्रैक्शन में एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, तीनों नंबरों को एक साथ काट दो इस तरीके से। ये आपने 7th-8th क्लास में सीखा होगा, अगर तीनों नंबरों को एक साथ काट देंगे तो देखिए कैसे काटेंगे, 2 बार ये कट गया और 3 बार ये कट गया, 3 से इसको काट दो, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दो। जैसे ही आपका 1-1 आ जाएगा आप वहीं रुक जाइए और कंटिन्यू गुणा कर दीजिए, 2 × 3 = 6 और 6 × 4 = 24। एक तरीका आपके पास ये है, तो अभी कितना आएगा, 24 आएगा आपका, क्लियर। या तो आप इस पैटर्न से कर लीजिए, आप या इस पैटर्न से कर लीजिए, आपको जो भी समझ में आए और जो भी आपको अच्छा लगे उस पैटर्न से कर लीजिए। आपको करना है एक ही तरीके से, मतलब आपको वहाँ कंपटीशन में ये नहीं करना कि मैं इससे भी करके देख लूँ, इससे भी करके देख लूँ, आपको जो सही लगे उससे करिए, क्योंकि आपके पास है 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, क्लियर। देखिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम, आगे क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 8, 6, 12 को पूर्णतः डिवाइड कर दे। कहने का मतलब है, अब आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए कि इसमें एलसीएम निकालना है या एससीएफ निकालना है। हमने कैसे पता किया, हमने अपनी डेफिनेशन से पता किया, क्या पता किया कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है और 8, 6 और 12 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। जब इसके लिए डिवाइड करेगा तो कोई नंबर निकाला जाएगा, तो क्या निकाला जाएगा, इसका एससीएफ निकाला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका भी हम 2-3 पैटर्न से करेंगे। देखिए सबसे पहला पैटर्न तो सेम है, इसके फैक्टर करिए, इसके फैक्टर कर लिए हमने। फैक्टर करने के बाद आपको क्या लेना है, कॉमन टर्म। एलसीएम में क्या ले रहे थे कि तीनों में कॉमन के बाद जो भी कॉमन है वो टर्म ले रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, एक ही कॉमन है। हमें क्या करना है, एससीएफ जब भी निकालेंगे तो एससीएफ में तीनों में कॉमन है, तो 3, 4 में दिया तो 4 में होना चाहिए, ऐसा नहीं है 2 में मिल गया 1 में नहीं मिला छोड़ दो। तो इसमें कॉमन क्या हुआ,
टू, तो इसका मतलब एस सी एफ क्या होगा, इसका मतलब वो नंबर कौन सा होगा, टू। आंसर कितना आ गया इसका, टू। ये तो हमने कर लिया इस पैटर्न से, अब हम सीखने वाले हैं एक और पैटर्न। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये नंबर दिए हैं तीन, इससे हम बड़े क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन दोनों, यहाँ पर नंबर अगर बड़े भी हो जाएंगे तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए अगर इसमें दो नंबर छोटे हैं, पहले छोटे वाले, एक नंबर जो छोटा है और जो सबसे बड़ा नंबर है उसको बाद में लेंगे हम, तो पहले क्या करेंगे, जो नंबर छोटा है उस नंबर से उससे बड़े वाले नंबर में डिवाइड देंगे। तो एट अंदर रखिए और सिक्स को बाहर रखिए, क्लियर। हमने इसमें डिवाइड दिया, एक बार गया, कितना बचा हमारे पास, टू बच गया, क्लियर। अब आपको क्या करना है, जिस नंबर से हमने डिवाइड दिया था वो नंबर आपको फिर से यहाँ रखना है। रख लिया आपने, यहाँ पर नंबर रखिए, रख लिया, क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब इसमें दो तिया छः, तो ये पूरा कट गया, क्लियर। जैसे ही ये पूरा कट गया इसका मतलब क्या हो गया, अब ये टू यहाँ पर कट गया, अब जो बड़ा नंबर है अब उसमें डिवाइड दे दीजिए इसका, क्लियर। आप बड़ा नंबर में डिवाइड दीजिए, कितनी बार जाएगा, दो से छः बार, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा कट गया। अगर ये यहाँ पर पूरा नहीं कटता तो हम फिर आगे वही प्रोसेस करते, और ये पूरा कट गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एस सी एफ कितना निकल के आ गया, दो। एस सी एफ कितना आ गया, दो। ये आप किसी भी पैटर्न में लगाइए, आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर आपके फ्रैक्शन बड़े हो पा रहे नहीं हो पा रहे वहाँ पर आप ये वाला पैटर्न लगाइए। जब तक यहाँ पर क्या जीरो नहीं हो जाए तब तक काटते रहिए उसको, और लगातार क्या करोगे, जितना रिमाइंडर बचेगा आगे जिस नंबर से डिवाइड दे रहे थे वो नंबर इसके अंदर आएगा। अगर यहाँ पर कुछ बचता तो हम क्या करते, फिर से यही भाग का निशान लगाते, फिर ये नंबर अंदर रखते, फिर डिवाइडते थे। तो ये एक नया पैटर्न है, आप इससे भी कर सकते हो। जब हम छोटे नंबर है तो वो तो आसानी से हो गया, जब बड़े नंबर होते हैं तब हम वहाँ आसानी से नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे और भी क्वेश्चन इससे कराऊंगा। देखिए अब आगे सवाल करते हैं, सवाल क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें बारह सोलह अठारह से भाग देने पर प्रत्येक दशा में पांच शेष बचे। अब ये करके बताइए, प्रत्येक दशा में पांच शेष बचे, करके बताइए भाई कैसे होगा ये क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 16, 18 से भाग देने पर, 12, 16, 18 से भाग देने पर हमें क्या मिलेगा, प्रत्येक कंडीशन में पांच शेष मिलेगा। अगर कोई नंबर होगा तो हमें कैसे पता करना है इसमें एलसीएम निकालना है या एससीएफ निकालना है, तो भाई हमें पता चलेगा इस लाइन से भाग देने पर, इसका मतलब क्या हो रहा है, 12, 16, 18 से हम किसी नंबर में भाग दे रहे हैं, और नंबर क्या होगा भाई, एलसीएम निकलेगा इनका। और एलसीएम जब निकलेगा, अगर हम 12 से भाग देंगे तब भी हमें कितने मिलने वाला है, पाँच मिलने वाला है, और 16 से भाग देंगे तब भी हमें पाँच मिलने वाला है, यानी कि 18 से भाग देंगे तब भी पाँच मिलने वाला है, यानी कि आप अलग अलग तीनों नंबर से उसमें डिवाइड देंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है आपको, पाँच शेष मिलने वाला है। अब देखिए जैसे एलसीएम निकालते थे, एलसीएम उस तरीके से निकाल लो, अगर आपको टेबल पता है तो आप एलसीएम बहुत जल्दी निकाल लोगे इसका। देखिए कैसे, ये तो बेसिक कैलकुलेशन, आप बेसिक कैलकुलेशन से करना चाहो तो बेसिक कैलकुलेशन से करना चाहिए, और आपको अगर जल्दी करना है तो आपको टेबल पता होने चाहिए। देखिए एलसीएम होता क्या है ये समझ लो, एलसीएम में थोड़ा दिक्कत क्या है, एलसीएम कुछ नहीं है, एलसीएम क्या है, जैसे तीन नंबर है, चार नंबर है, पाँच नंबर है, उन सबको एक नंबर पर जाके ले जाकर रोक दो। एलसीएम क्या है, ये तीन नंबर हैं, तीनों नंबरों को एक नंबर पे ले जाके वहीं रोक दो, वही उसका एलसीएम होगा। यही बात तो है भाई, किस
मतलब क्या है, इन तीनों नंबरों का भाग देने पर वो संख्या कट जाए। भाई सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं ऐसा टेबल पढ़ा जाएगा 12, 16, 18 का कहीं टेबल ऐसा पढ़ा जाएगा कि हम उनको एक नंबर पे जाके रोक सकते हैं। तो भाई जिसको टेबल पता है, नॉर्मल छोटे क्वेश्चन है तो इसलिए आराम से हम टेबल से ही पता कर सकते हैं, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो इसके लिए तो पैटर्न करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो मैं इसको छोटे पैटर्न से बताऊँ, भाई 12 का टेबल ऐसा पढ़ो कि उसमें एक नंबर मिक्स हो जाए। तो 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 में 12 होते 144, ठीक है? ओके, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144, तो 16 की टेबल में भी 144 आते हैं। और क्या होते हैं, 18 8 144, यानी कि तीनों कहाँ जाके रुकेंगे, 144 पर। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्यों करें इतना सारा प्रोसेस, इतनी सारी प्रोसेस जरूरत क्या है हमें करने की, एक इतनी सारी प्रोसेस कर क्या है? मैंने क्या बताया, कंक्लूजन ये था कि इन तीनों नंबरों को एक नंबर पे ले जाके रोक दो। भाई तीनों नंबरों को एक नंबर पे रोक दिया तो भाई 12 की टेबल में भी 144 आते हैं, 16 की टेबल में भी 144 आते हैं और 18 की टेबल में भी 144 आते हैं। तो वो सब वो नंबर ऐसा होगा कि ये कट जाएगा। अब उसने क्या कहा है कि प्रत्येक दिशा में कितना शेष मिले, 5। इसका मतलब क्या है, 144 + 5, 149। योर आंसर 149, बस हो गया, इतना करना है। अब आप देख लीजिए, 12 का भाग दीजिए 12 में 12 144, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 16 7 12, 16 9 144 और 18 8 144, सब में 5 बच रहा है। तो हम कैलकुलेशन को बढ़ा के ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसानी से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि छोटा ही पैटर्न यूज़ करो, आप अपने दिमाग के कैलकुलेटर को खोल लो, मोबाइल के कैलकुलेटर को नहीं खोलना है। क्लियर? हम आगे क्वेश्चन करते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 96, 528 और 792 को विभक्त कर दे, मतलब इसको काट दे। हमें जैसे ही उसने कहा विभक्त कर दे, यानी कि मतलब इसमें भाग दिया जाएगा, तो हमें क्या निकालना है, इसका SCF निकालना है। अब SCF निकालने के लिए आपको दो पैटर्न बताए थे, किसी से भी कर लीजिए आप। क्या निकालना है हमें, SCF निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे करके बताएंगे, इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा पाऊंगा किसी कारणवश, क्योंकि मैं आपको ऐसा क्वेश्चन समझा चुका हूं। तो आप इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट सेशन में आंसर देके बताएं क्या आंसर आएगा, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, तब तक इसका आप मुझे आंसर दीजिए कमेंट सेशन में। अगला क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 9, 7, 13 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख दिया है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर मुझे दे सकते हैं। तो बताइए मुझे, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसका 96, 598, 528 और 792 को विभक्त कर दे, वह नंबर बताइए मुझे, क्या निकल के आएगा वो, कमेंट सेशन में आंसर दीजिए मुझे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 9, 7, 13 से भाग देने पर, 9, 7, 13 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। आपको अब ये भी ज्ञात करना है, करके बताइए मुझे। मैंने आपको दोनों पैटर्न बताए, आपको SCF निकालने का क्या पैटर्न बताया, इसके भी अलग फैक्टर कर लीजिए, इसके भी अलग फैक्टर कर लीजिए, इसके भी अलग फैक्टर कर लीजिए। एक तो पैटर्न ये बताया है, दूसरा पैटर्न क्या बताया है मैंने, दूसरा पैटर्न ये बताया है कि आप इसमें से वो नंबर देखिए जो सबसे पास में है, मतलब छोटे नंबर ले लीजिए या दो नंबर बड़े ले लीजिए। अब आप देखो 96 इसमें बहुत बड़ा अंतर है, चाहे तो आप इसको ले लीजिए, नहीं ले पा रहे तो इन दोनों नंबरों को डिवाइड दे दीजिए, और जो लॉन्ग प्रोसेस थी आप उससे भी कर सकते हो। तो इसका आंसर आप मुझे बताएं, मैंने कुछ का जवाब मेरे पास आ भी गया है, तो इसका आंसर जो निकल के आया है
वो 24 निकल के आया है। क्लियर, 24 हो गया। आप इसके फैक्टर करिए भाई, यहाँ पे देखिए ये कितना है, 94 को क्या, सॉरी 96 है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 24 × 4 24 × 96, पाड़ा पढ़ लेना भाई। अब इसका देखिए, अब एक बार देखो इसमें क्या पैटर्न बनाना है। आपने देखा ये नंबर था, ठीक है, तो इसमें क्या निकालना था, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी थी। क्लियर, अब बड़ी 24 से बड़ी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 4 टाइम इसको काट दे, समझना बात को। तो एक बार हम ये और देख लेते हैं, क्या 24 से ये दो नंबर और कट रहे हैं, 24 से ये नंबर दोनों कट रहे हैं या नहीं कट रहे, चेक कर लो भाई। 24 × 24 कितना बचा, 24 × 48 कितना बच गया यहाँ पर, 4। तो यानी क्या हो गया, ये कितनी बार कट गया, 24 × 48 कितना बच गया, फिर से 4 बच गया, तो 24 × 48 22 हो गया। अब यहाँ पर देख लो भाई, 24 × 48 24 3 होते हैं 72, कितना बच गया यहाँ पर, 7। 24 × 3 = 72 और 24 × 3 = 72। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। हम इसको एक नया पैटर्न मतलब डायरेक्टली कर रहे हैं, कैसे करें भाई, जिसको नॉर्मल पैटर्न आता वो तो कर ही लेगा, लेकिन हम डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं। अब आपने देखा कि 24 × 22 अगर इसको मैं दो नंबरों में तोड़ लूं, तो 24 × 22 और इसको भी मैंने तोड़ लिया, 24 × 33। अब एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे भाई, फैक्टर क्या होते हैं, अगर मैं इसको अगर काटूंगा, जब मैं इसको इस तरीके से काटूंगा, आपको पढ़ रही है जल्दी, आपको पढ़ रही है जल्दी, क्योंकि आप कर रहे हो कंपटीशन का, क्या आप इसको दो से काटोगे, इतना टाइम नहीं है कि दो से काटोगे, दो के 48 फिर 24 फिर 12 फिर ऐसे नहीं, इतना टाइम नहीं है, तो सीधा 3 से काटोगे 4 से काटोगे, और नहीं ज़्यादा पड़े तो पहाड़े अच्छे का हुआ आते होंगे तो सीधे 24 से ही काट दे, अगर पहाड़े अच्छे आते होंगे तो भाई, ये हंसने वाली बात नहीं है, आप लोग हंस रहे हो, ये कंपटीशन को तैयार करने की भाई, क्योंकि आपको वहाँ जल्दी दिखाना है, आपको ये नहीं पूछ रहा वो किस नंबर से काट रहे हो, आपको काटना है जल्दी से जल्दी। एलसीएम एससीएफ आपसे ये नहीं कहा है कि भाई वो हमें कक्षा 6, 7, 8 में सिखाया था कि कोई नंबर कहीं से काटो या ना काटो, उसको 2 से जरूर चेक करो, तो 2 से चेक नहीं करना है यहाँ पर, यहाँ तो जहाँ मर्जी है वहाँ से काटो, तो पहाड़ा याद होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ 24 से काट रही, अब यहाँ से मैं कैसे पता करूँगा कि इसका आंसर 24, अभी तो आप ये कहोगे किसी ने आपको 24 बता दी इसलिए आपने 24 से कर लेना स्टार्ट कर दिया, भाई 24 बता नहीं दिया, 24 दिख रहा है, देखो अगर यहाँ पर आप और फैक्टर करोगे, देखो 24 तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तीनों में 24 दिख रहा है, एलसीएफ क्या होता है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। अब मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पर इसके 11 के फैक्टर करूँ, 22 के 11 × 22 2 मिल रहा है मुझे, और यहाँ पर मैं 33 के फैक्टर करूँ तो 11 × 3। अब एक बात बताइए, और यहाँ पर 4 के कितने हो जाएंगे, 2 × 2। अब आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर तो मुझे 2 मिल रहा है और यहाँ 2 मिल रहा है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, मैंने क्या बताया था, एससीएफ में तीनों में कॉमन होना चाहिए, यहाँ पर 11 मिल रहा है, यहाँ पर 11 मिल रहा है, लेकिन इस लाइन में 11 कहीं नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब एक 24 नंबर ही ऐसा है जो तीनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया इसका, 24। इज दैट क्लियर, समझ पाए लोग, समझ में आए। और जिसके अगर ये पैटर्न नहीं समझ में आया हो, पेशेंस रखे, जो इससे पहले पैटर्न कराया था, क्या कराया था, अलग से गुणनखंड करके, आप उससे कर लें, आराम से निकल आएगा। ये पैटर्न थोड़ा स्मार्ट लोगों के लिए है, किसके लिए, स्मार्ट, कुछ हैं स्मार्ट यहाँ पर, वो तुरंत उन्होंने आंसर ऐसे करके बता दिया। तो देखिए हम इसको करते हैं, अब इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसमें उसने क्या बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 7, 9, 13 से भाग देने पर, 9, 7, 13 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे। मतलब अगर हम इसे नंबर में कहीं से भाग देंगे तो 9 में भाग देंगे तब भी एक मिलेगा, 7 में भाग देंगे तब भी एक मिलेगा, 13 में भाग देंगे तो तब भी एक मिलने वाला है। तो आप ऐसा सब क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है, जितना शेष दिया हुआ है नंबरों में से घटा दो भाई, 9 में से एक घटाओ कितना मिलेगा, 8, 7 में से एक घटाओ 6, और 13 में से एक घटाओ 12, और इन सब का निकाल दो एससीएफ, क्योंकि इसमें हम क्या दे रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं, तो एससीएफ निकाल रहे हैं, तो एससीएफ निकालना होगा, तो एससीएफ क्या होगा इन सब में देख लो भाई, इसमें 2 से भाग चला जाएगा, इसमें 2 से भाग चला जाएगा, इसमें 2 से हमने चेक कर लिया, इसमें 3 से नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें, तो इसका मतलब 2 ही होगा, एससीएफ क्या हो गया, 2। अब यहाँ पर चेक भी कर लो, अगर हम 2 का भाग 9 में देंगे, 2 × 4 = 8 एक बच गया, 2 3 = 6 कितना बच गया, 1 बच गया, 2 × 6 = 12 एक बच गया, इज दैट क्लियर।
यानी कि आपको जब भी किसी भी नंबर में भाग देना है और प्रत्येक दिशा में सेम शेष बच रहा है तो आपको क्या करना है, जो शेष बच रहा है उन नंबरों में से घटा दीजिए और उसके बाद उसका एचसीएफ निकाल दीजिए। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे दो सौ इकसठ, तीन नौ सौ तैतीस और तेरह सौ इक्यासी में भाग देने पर प्रत्येक दशा में पांच शेष बचे। बताइए करके इस क्वेश्चन को मुझे क्या करना होगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे? अभी जैसे क्वेश्चन कराया था सेम वैसे ही करेंगे। पहले क्या करना होगा आपको, सम में से 5 माइनस करने होंगे। तो 5 माइनस करिए सम में से भाई। 261 माइनस 5 कितना मिलेगा? 256। क्लियर? उसके बाद 933 में से माइनस करिए 5 कितना मिलेगा आपको? 928। क्लियर? उसके बाद आपको 1381 में से 5 माइनस करना होगा तो कितना मिलेगा? 1376। अब आप इसको क्या करना है, आपको इसके फैक्टर करने हैं। अब आपको मैंने तीन तरीके से फैक्टर बता दिए, अब आप कैसे करना चाहोगे वो आपके ऊपर है। पहला तरीका क्या है कि भाई सबके अलग अलग फैक्टर कर लो, एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा क्या है, आप भाग दे के कंडीशन निकालिए उससे करिए। तीसरा अपने दिमाग का कैलकुलेशन करिए। तीसरा अपने दिमाग का कैलकुलेशन करना है आपको। दिमाग के कैलकुलेशन में क्या होगा, आपको सोचना है कि नंबर किससे कट सकता है। क्लियर? तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेशन में बताइए। यहाँ तक मैंने करा दिया, अब इससे आगे आपको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकाल के मुझे आंसर दीजिए क्या आंसर आएगा। अगर कैलकुलेशन भी मैं कराता रहूँगा तो आपके कैलकुलेशन कैसे आगे बढ़ेगी। आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप अगर जितनी ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन को खुद से करेंगे, तो आप उतना ही अच्छा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मुझे इसका कमेंट सेशन में आंसर देके बताइए। तब तक मैं आपको आगे क्वेश्चन कराता हूं। मैं समझ पा रहा हूँगा कि इसका आंसर कमेंट सेशन में आ रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से थोड़ा लेट आएगा, लेकिन आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। कुछ बच्चों ने मुझे इसका आंसर 32 बताया है, तो देखते हैं 32 है या नहीं। तो देखिए आंसर इसका मुझे बताया 32 आंसर, कमेंट सेशन में भी देख पा रहा हूँ 32 आंसर मिल रहा है मुझे। देखिए अब 32 बताया तो चेक कर लेते हैं 32 है या नहीं, और नहीं है तो तब भी चेक कर लेंगे हम। तो देखिए आप सबसे बड़ा नंबर निकालिए। देखिए आप सबको पता है ये नंबर 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है। क्लियर? हमने चेक कर लिया 2 से कट रहा है, डिविजिबिलिटी पता है 2 की आपको। अब आप ये भी देख लीजिए 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएं तो इसके लिए हम ये देख रहे हैं इसमें ये कट रहा है 14 चौक 56, 4 से कट रहा है, 7 चौक 28 ये भी 4 से कट रहा है, और ये कितना है 19 चौक 76। पहाड़े याद होंगे तो कर लेंगे आप, 19 चौक 76। इसका मतलब 2 से और 4 से दोनों से कट रहा है, इसका मतलब 8 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट गया। और जब 8 से कट रहा है तो हम और चेक कर लेते हैं इसको, आगे बढ़ जाएंगे 16 से भी कट जाएगा, जब 8 से कट रहा है तो 16 से नॉर्मल कट जाएगा, तो 16 से कटते 32 से देखते हैं। तो अब मैं जिसने 32 दिया उसी को चेक करते हैं हम। देखिए 32 से इसको काटो, 32 का काटेंगे तो 32 का अगर फैक्टर करेंगे तो 32 तो आएगा और दूसरा क्या आएगा, कितना आएगा, 8। कैसे, 8 दूनी 16 और 8 3 24 और 1 25, चेक कर लिया हमने।
यानी 32 गुणा 8, दो फैक्टर इसके बन गए। अब इसको भी चेक करो भाई, 32, एक तो 32 आने वाला है इसमें, चेक कर लो भाई, एक तो 32 आपका आने वाला है। ये कितनी बार जाएगा? 29 बार। बड़ा हैवी गया भाई, 29 बार। कितना? 29 कट गया। कितनी बार कट गया? 29 बार कट गया। ये क्लियर, ये हमने 29 बार काट लिया। अब इसको काटेंगे तो भाई कितनी बार कटेगा ये? 43। मैं समझ पा रहा हूँ, कैलकुलेशन काफी तेज चल रही है यहाँ पर अभी। 43। देखिए भाई, मैं समझ पा रहा हूँ, कैलकुलेशन बहुत तेज चल रही है। जो मैं सिखा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर क्या आ गया? ये प्राइम फैक्टर। इसका मतलब इसका कोई भी आगे फैक्टर नहीं होगा। जब यहाँ नहीं होगा तो इसका मतलब आगे फैक्टर तो मिलेगा ही नहीं। जब एक में ही नहीं मिला तो सब में, तीनों में कॉमन क्या है आपका? 32, यानी कि 32 आंसर आपका। क्लियर भाई, जो इस पैटर्न को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, आप इस तरीके से काट लीजिए। किस तरीके से? 256 को इस तरीके से काटो, 28 को इस तरीके से काटो, और 76 को आप इस तरीके से काटो। इसमें जो पार्ट कॉमन मिल जाए आपको, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 38, 45 और 52 में भाग देने पर, जिससे 38, 45 और 52 में भाग देने पर शेष क्रम से कितने बच रहे हैं? 2, 3, 4। जब आपके शेष अभी तक क्या बच रहा था? समान शेष बच रहा था, तो हम क्या कर रहे थे? सब में से एक ही नंबर घटा रहे थे। इस बार क्या है? शेष अलग अलग है, तो नंबर में अलग अलग घटा दो भाई। अलग अलग घटाएंगे तो 38 में से दो गया, 45 में से तीन घटाओ 42, और 52 में से चार घटाइए तो कितना आएगा? 48। देखिए, अब हमें क्या निकालना है? इसका भी SCF निकालना है। SCF निकालेंगे। देखिए SCF कैसे निकालेंगे, इसी पैटर्न को देखिए भाई। देखो, हमें दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? 6, 6, 6 से सब कट रहे हैं, तो हम इसको काट ले रहे हैं भाई। ये 6 गुणा 6, ये हो जाएगा 6 गुणा 7, और जैसे ही 7 आया, मैंने क्या बताया? 7 होता है प्राइम फ्रैक्शन, और प्राइम फ्रैक्शन जब बीच में फंस गया और कुछ तो मिलने वाला नहीं है, तो SCF कितना आ गया? 6। इज दैट क्लियर? अभी तक समान शेष बच रहा था तो सेम घटा रहे थे, अलग अलग बच रहा है तो अलग अलग घटा रहे हैं। क्लियर, नोट कर लीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 24, 32 और 36 से भाग देने पर, 24, 32 और 36 से भाग देने पर शेष क्रमशः 19, 27, 31 बचे। चलिए बताइए मुझे करके इस क्वेश्चन को, इसमें करना क्या है? देखिए बताइए इस क्वेश्चन में करना क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 24, 32 और 36 से भाग देने पर शेष क्रमशः 19, 27 और 31 बचे? तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेशन में बताइए, कितना आंसर है इसका? देखिए कैसे करेंगे। अभी तक क्या था, अभी तक आपसे क्या पूछ रहा था? वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसमें जो नंबर दिए थे उसमें भाग देना था। अब इन नंबरों से हमें भाग देना है, तो हम क्या करेंगे? जब हमें किसी में भाग देना होता है, किसी नंबर में भाग देना होता है तो LCM निकालते हैं, और किसी नंबर का भाग देना होता है तो SCF निकालते हैं। तो इसमें क्या है, 24, 32 और 36 से भाग देंगे हम किसी नंबर में। अब वो नंबर क्या होगा,
हमें नहीं पता भाई क्या होगा। तो अगर वो नंबर हमें मिल जाए और उसमें क्या है, हर बार हम भाग देंगे 24 से तो 19 बचेगा, 32 से देंगे 27 बचेगा, 36 से देंगे तो 31 बचेगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो नंबर, जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं उन नंबरों को शेष करो, कितना बचेगा, 5। 32 में से घटाइए 27 घटाओ कितना मिलेगा, 5। अब 36 को घटाइए 31, कितना मिल रहा है आपको, 5 मिल रहा है। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जब हम 24 से भाग दे रहे हैं 19 शेष बच रहा है, 32 से भाग दे रहे हैं तो 27 शेष बच रहा है, और 36 से भाग दे रहे हैं तो 31 आपको क्या मिल रहा है, शेष मिल रहा है। तो बताइए मुझे इसका एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम करते हैं। एलसीएम करने का तरीका मैंने आपको बताया है, या तो अलग अलग कर लीजिए या एक साथ कर लीजिए, या फिर आपको इतने बड़े बड़े टेबल याद हो कि आप एक टेबल पे जाके रुक जाओ तो वो याद कर लीजिए। भाई देखिए इस तरीके से काट लो, 24, 32 और 36, क्लियर। तो आप इसको किसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए जल्दी से, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, ये कितना जाएगा, 8 टाइम, और ये कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम। 3 से काट दीजिए भाई, ये 2 टाइम्स, 8, और ये 3 टाइम्स। 4 से काट दीजिए, 2, 2, 3, क्लियर। अब आप कर दीजिए कितना बचेगा, 2, 1, 1, 1, 3, और 3 से कर दीजिए, खुला करिए भाई, 4, 3, 2, 6, 6, 4, 24, 24, 3, 72, 72 चौके कितने हो गए, 72 चौके कितने हो गए भाई साहब, 72 चौके हो गए आपके 288, क्लियर। अब आपका 288 आ गया, 288 जैसे ही आएगा आपका एलसीएम रखेंगे, और आप ये देख रहे हैं जितने भी सामान शेष बच रहे हैं आप इसमें से इसको माइनस कर दो बस। जैसे ही आपने 288 में से 5 माइनस किया तो कितना आ गया, 283 आपका ये आंसर आएगा, कितना आएगा, 283। अगर आप 24 से इसमें भाग देते हैं 283 में तो आपको 19 शेष मिलेगा, चेक कर लो भाई। जैसे ही आपने 24 का भाग दिया, 24 एकम 24, कितना बचेगा आपके पास, 4, कितना हो गया, 43, और 43 हो गया 24 दुनी होते हैं 48, तो यहाँ पे तो हुआ नहीं, तो कितना हो गया, 24 एकम 24, फिर एक बार गया कितना बचेगा, 19 बचेगा, 6 साइड में, 3 उस साइड में, 6 और 3 9 और 1 10, कितना हो गया, 19, चेक कर लिया हमने, इज दैट क्लियर, नोट कर लीजिए, कर दियो। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 3 जोड़ने पर 27, 35, 25 और 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, बताइए भाई वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 3 जोड़ने पर 27, 35 और 25 से और 21 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो इसमें आपको क्या निकालना होगा, बताइए मुझे। तो आप क्या करेंगे, 35, 27, 25, 21 का निकाल लीजिए एलसीएम, और एलसीएम जैसे ही आप निकालोगे उसमें जो भी एलसीएम निकल के आएगा उसमें क्या करना है आपको, 3 ऐड कर देना है, क्योंकि वो नंबर क्या निकल के आएगा, 3 कम निकल के आएगा उसमें 3 जोड़ने पर, 27, 35, 25, 21, तो निकाल लीजिए भाई एलसीएम क्या होगा। आप कैसे निकालोगे, अगर आप एक साथ करना चाहो एक साथ कर लो, अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर लो भाई, करेंगे हम किससे काट देंगे इसको, 7 से, तो ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 5 टाइम, ये भी कटेगा नहीं और ये कट जाएगा 3 टाइम। अब हम कितना काट देंगे, 9 से भाई, जल्दी जल्दी काटना है हमें,
अब हम तीन से काट देंगे, एक पाँच, अब हम पाँच से काट देंगे, एक एक पाँच, पाँच से काट दो भाई, एक एक और एक, हो गया, कर दिया हमने फैक्टर। अब मल्टीपल कर लो, पाँच पंजे पच्चीस पच्चीस, पाँच पंजे पच्चीस पच्चीस निम्मा 225, और 225 गुणा तीन कितने हो गए 675, और 675 का गुणा कर दो सात में तो कितना हो जाएगा, सात पंजे पैंतीस, सात उनचास और तीन बावन, और सात छक्के 42, और पाँच कितने हो गए 47, ये निकल के आ गया आपका 47 25। क्लियर, अब 47 25 जैसे ही आपका निकल के आ गया, अब आपको क्या करना है इसमें तीन जोड़ने पर, सही है ये, ओके। अब आपका ये क्या निकल के आ गया 47 25 निकल के आ गया, अब आपको क्या करना है तीन जोड़ने पर, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर तीन जोड़ने पर 27 35 और 25 और 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब छोटी से छोटी संख्या क्या होगी बताइए मुझे, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया, एलसीएम सब कर लेंगे, अब एलसीएम के बाद आगे क्या प्रोसेस करेंगे बताइए भाई, कितना करेंगे इसमें, तीन जोड़ेंगे या तीन घटाएंगे बताइए, इसमें क्या करेंगे हम तीन को माइनस कर देंगे, और तीन को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 47 22। अब आप इसको काट लीजिए 21 27 35 25 काट लीजिए, क्लियर। देखिए हमने इस क्वेश्चन को किया, कितना आंसर निकल के आया 4722। अब आप इसमें समझ लीजिए यहाँ पे लिखा है जोड़, तो आप ये सोच रहे होगे यहाँ पे करना है मुझे जोड़ और यहाँ पे कर दिया आपने माइनस, तो इस बात को समझ लीजिए, इस बात को कैसे करेंगे, उसने क्या पूछा हमसे, वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 27 35 25 और 21 से पूरी कट जाए। अब जब हमने इसका एलसीएम निकाला, यानी हमने ये प्रोसेस की और प्रोसेस में एलसीएम हमारा निकला 4725, 4725 वो नंबर है जो 27, 35 और 25 और 21 से पूरा कट जाएगा। लेकिन अब आप कहो इसमें तीन जोड़ दें, तो जब आप इसमें अगर तीन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4728। तो अगर आप 35, 27 और इनसे भाग देंगे तो जब भी भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, हर बार तीन बच जाएगा, क्या बच जाएगा, हर बार तीन बच जाएगा। तो इसका मतलब जब प्लस का नंबर बोल रहा है आपसे, बोल रहा है जोड़ने की, तो आपको जोड़ना नहीं है, जो भी नंबर आए एलसीएम करने के बाद उसको माइनस करना है। क्यों करना है माइनस, माइनस करने पर कितना मिल गया आपको 4722, 4722 ही वो नंबर है जिसमें अगर आपने तीन जोड़ा, 4722 में वो तीन जोड़ेंगे तब जाकर हमें कितने मिलेंगे 4725, और 4725 हमने क्या निकाला था इसका एलसीएम, जो कि 27 35 25 और 21 से पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर समझ में आया, एक क्वेश्चन और कराता हूँ जिसमें घटाने वाला होगा, इससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है अगला वाला, देखिए क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पाँच घटाने पर, जिसमें पाँच घटाने पर 18 24 36 से पूर्ण तक कट जाए, 18 24 और किससे 36 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है 18 24 और 36 का आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो भाई देखिए फिर से आगे पहाड़े, पहाड़े आपके फिर से आ गए, और आप बार बार कह रहे हैं सर इतने पहाड़े कब तक करवाओगे, कितना याद कराओगे, थकाओगे, पहाड़े निकाल लीजिए। मैंने क्या बताया एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा नंबर जहाँ पर तीनों पहाड़े रुक जाएं, तो 24, 36 और क्या है इन सब का एलसीएम निकलेगा, एलसीएम निकलेगा 72। देख लीजिए आप चेक करके, 18 चौक 72 24 32 72, ऐसा कोई नंबर नहीं है इससे कट जाए, क्लियर।
तो एलसीएम कितना आ गया 36 सॉरी 72। और आपसे क्या पूछा उसने, पांच घटाने पर क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो भाई क्या करोगे, 5 ऐड कर दोगे इसमें, यानी कि 77। यानी कि 77 वो नंबर है जिसमें अगर हम 18, 24 और 36 से भाग देंगे तो प्रत्येक कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। तो उसने क्या बोला है, 5 घटाने पर, तो वो छोटा नंबर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका, 77 होगा। आंसर 72 नहीं होगा, आप ये गलत मत कर देना कि 72 इसका आंसर हो गया, 72 तो इसका एलसीएम है। आपको वो नंबर कौन सा, 77, क्योंकि नंबर 77 में से ही आप अगर 5 घटाओगे तब आपको 72 मिलेगा, और 72 ही वो नंबर है जो 18, 24 और 36 से पूरा कट जाएगा। क्लियर हुआ? तो आप यहाँ पर एक कंसेप्ट याद कर लें, एक कंसेप्ट क्या है, जब भी आपसे घटाने की बात करेगा तो आपको प्लस करना है, और जब भी प्लस की बात करेगा तब आपको घटाना है। ये बात याद रख रहे हैं, जब आपसे प्लस की कहा है तो आंसर क्या करना है, घटाना है, और जब घटाने की बात कर रहा है तो आंसर क्या करना है आपको, प्लस करना है। इस बात को याद कर लें, इस कंसेप्ट को याद कर लें, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस कहाँ घटाना है, कहाँ आपको प्लस करना है। इज दैट क्लियर? ओके, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए क्या है जिसमें 76, 151 और 226 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। अभी तक आपको क्वेश्चन मैंने कराया था कि क्या कर रहा था, उसमें शेष बता रहा था कितना शेष बचे, लेकिन इसमें उसने नहीं कहा है कि कितना शेष बचेगा, उसने ये बोल दिया है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्लियर? तो आपको क्या करना होगा, ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाता है, अगर इसको आपको अगर ऑप्शन मिल जाए तो ऑप्शन से बहुत जल्दी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से करने से पहले हमको उसका बेसिक भी आना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले नंबर क्या क्या दिए हैं आपको, 76, 151 और 226। क्लियर? तो आपको क्या करना है, आपस में घटा दीजिए इन नंबरों को। क्या करना है आपको, आपस में घटा दीजिए भाई, 151 में से 76 घटाओ, फिर आपको क्या करना है, 226 में से 151 घटा दो, फिर 226 में से आपको 76 घटाना है। क्लियर? आप सिर्फ घटाना है भाई, दूसरे वाले में से पहला वाला घटा दो, तीसरे वाले में से दूसरा घटा दो, दूसरे में से पहले लास्ट वाला घटा दो, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला घटा दो, घटाइए भाई। तो इधर कितने हो गए, 11, और 11 में से अगर 6 गएंगे तो 5 कितना मिलेगा हमको, 4 बचेगा, तो 14 में से 7 जाएंगे, 7 कितना मिल गया, 75। तो इधर कितना मिलेगा, 5, यहाँ कितना मिलेगा, 7, 75 हो गया। अब आपको यहाँ घटाना है भाई 0, यहाँ कितना मिलेगा, 15। क्लियर? जैसे ही आपको घटाने पर नंबर मिल जाए, आपको जैसे ही आपको घटाने पर क्या मिल जाए, नंबर मिल जाए, तो सबका क्या निकाल दीजिए आप, HCF भाई, 75 और 150, इन सबका HCF क्या होगा बताइए मुझे, क्या होगा इन सबका HCF, HCF 75। और जैसे ही आपने HCF निकाला तो वो क्या होगा, वह यही नंबर होगा जिससे आप 75, 151 और 226 में अगर आप भाग देंगे, 226 में जैसे ही भाग देंगे प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। देखिए 75 एकम 75, एक बच गया, 75 दूनी 150, कितने बच गए, एक बच गया, और ये कितना हो गया, 75 चौके 225, 75 चौके 225 होते हैं। किसने बताया आपको, किसने बता दिया आपको 75 चौके 225 होते हैं, 75 तिया 225 होते हैं, 75 दुनी 150 और 150 दुनी 300, तो वो 300 हो जाएंगे ना कि आपके 225। तो यहाँ पर भी कितना मिल गया आपको, एक। आप बैंड ना बजें, अगर किसी ने बोल दिया ये तो इसी की लाइन में चले गए, आप अपना रास्ता निकालें, पर हर जगह ना निकालें, पता चले इधर आ रही है बाढ़ और आपने इधर से ही रास्ता निकाल दिया तो पता चले आपके कहाँ कौन से रास्ते पे मिलेंगे, कोई पता नहीं है। तो इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन आपको कमेंट सेशन में करने के लिए देता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें, ये आपने नोट कर लिया तो मैं इसको हटा दूँ,
अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, मान लो ऑप्शन में रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में रखा है आपका 25 और सेकंड ऑप्शन में रखा है आपका 35 और थर्ड ऑप्शन में रखा है आपका 75 और लास्ट ऑप्शन में रखा है आपका 15। क्लियर? तो आप कैसे करेंगे इसको ऑप्शन से, देखिए अभी तो हमें इसका आंसर पता चल गया है तो इसलिए हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन हमें आंसर नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे। तो भाई उसने क्या कहा है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो आपको वो नंबर निकालना है कि यहाँ पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब आप इससे देखिए, तो यहाँ काटेंगे 25 या 75, एक बच गया, 25 छिक्के 150, ये बच गया। अब आपको 25 निम्मा 225 यहाँ पर भी कट गया, अब आपका ये ऑप्शन हो गया गलत। और जैसे ही आपने कहा यहाँ पर कट गया, लेकिन उसने क्या बात करी है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, ऑप्शन में आएगा 25 और आप 25 ही लगा के आओगे। उसने क्या कहा है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप 25 पे ही ना रुक जाएं, बड़ी से बड़ी संख्या आगे और भी हैं, 5 के टर्म हैं सारे। आपने सोचा 25 लिख दिया सर ने, तो ऑप्शन में 25 आ गया, हो गया आंसर। आपसे पूछा क्या उसने, बड़ी से बड़ी संख्या आपको क्या निकालनी है भाई, सीधी सी बात है 12 है, क्लियर 12 है और 24 है। अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है भाई, ये 2 से भी कट जाता है, ये 2 से भी कट जाता है, ये 3 से भी कट जाता है, ये 3 से ये भी कट जाता है, तो क्या आप इसका आंसर 2 निकाल के रख दोगे? नहीं। उसने एचसीएफ क्या होता है, वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबरों को काट दे, तो इन दोनों में बड़े से बड़ा नंबर क्या आएगा, 12। समझे? क्योंकि 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा। तो आप इस बात का याद रखना कि ऑप्शन में 25 मिल गया तो हमने लगा दिया, क्योंकि हमें तो समान शेष मिल गया, हमें तो समान शेष मिल गया। तो आपने ये तो देखा ही नहीं उसने क्या कहा है, बड़े से बड़ा नंबर, और बड़े से बड़ा नंबर क्या है आपका, जो आंसर अभी निकाला था मैंने 75। आप ऑप्शन में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपको वो ऐसे भ्रमित कर सकता है कि आपने ऑप्शन को देखा और वो ऐसे देता है भाई पहला दूसरा ऑप्शन नहीं देगा, चौथे तक तो पहुंचने ही वाले नहीं है आप। क्लियर? ओके, लास्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन को देखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 77, 147, 252 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ये आपका होमवर्क, HW होमवर्क। क्लियर? इसी के साथ मैं सेशन को यहीं रोकते हैं, आगे की क्लास को हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए आप अग्निपथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, देखते रहिए मैं सेशन। हमारा वीडियो पर डे शाम 7 बजे अपलोड होता है, आप प्रीमियम सेशन पर जाकर देखें और लाइक करें और कमेंट करें और हमें बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। तो इसी के साथ आज की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है। जय हिंद।